सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप ऑल ऑफ यू आर फीलिंग फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ्स लाइफ। एंड अभी हम कॉलेज में हैं और ये पूरा मेरा कॉलेज है। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं अपने कॉलेज के बारे में। बहुत सारा कमेंट आता है मेरे वीडियोस में कि यार ये कॉलेज कैसा है, हमको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसा पैकेज मिलता है, प्लेसमेंट कैसा है। सो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। एंड अभी जो हम बात करेंगे, तीन मेजर टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे फैकल्टीज़ कि कैसे टीचर लोग हैं, क्या है, वो सब डिटेल में, कैसा पढ़ाई होता है। एंड नंबर टू, प्लेसमेंट, कैसा प्लेसमेंट मिलता है, एवरेज पैकेज कितना होता है इस कॉलेज का। एंड नंबर थर्ड, हम कैंपस के बारे में बात करेंगे, यहाँ कैंपस कैसा है, पार्टीज, फेस्ट, ये सब के बारे में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। एक्चुअली इस कैंपस में चार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डेंटल, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट एंड आईटी, जो कि मेरा है GNIIT, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं डेंटल, फार्मेसी एंड होटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूछने के लिए, सो उन लोग को हम बता दें कि एक्चुअली उस कॉलेज, उस डिपार्टमेंट, तो उस कॉलेज में तो हम पढ़ते नहीं हैं, सो उतना हमको उतना डीपली नॉलेज नहीं है। बट हाँ, मेरा जितने भी फ्रेंड्स लोग इस सब डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, उन लोग से मैं बात हुआ है, उनसे हम रिव्यू लिए हैं। एंड आई थिंक कि या अगर आपको ये कॉलेज अगर मिलता है डेंटल, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट के लिए, सो या यू कैन गो ऑन एंड आप ले सकते हैं। उन लोग से बात हुआ तो लोग बोले कि हाँ, इसका प्लेसमेंट्स भी अच्छा है, ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट्स हो जाता है एंड फैकल्टीज़ भी सबके काफ़ी अच्छे हैं। और मेरा भी बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं जो, मतलब मेरे स्कूल टाइम्स का भी एक फ्रेंड है जो कि फार्मेसी में पढ़ रही है। एंड हाँ, थोड़ा प्रेशर सबके ऊपर होता है, हम लोग का भी डिपार्टमेंट में प्रेशर है, बट हाँ फैकल्टीज़ अच्छे हैं। पढ़ाई जो मतलब मेन चीज़ है कि पढ़ाई कैसा होता है, तो पढ़ाई अच्छा होता है और मस्ती तो यार वो तो आपको आगे बताने ही वाला है, क्योंकि जो भी पार्टीज होता है ग्राउंड में होता है, कोई भी जैसे फार्मेसी का पार्टी हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, तो हाँ हम लोग भी अटेंड कर सकते हैं, और आईटी का पार्टी या फेस्ट हो रहा है तो उसमें और लोग भी अटेंड कर सकता है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर पार्टी होगा पूरा कॉलेज में तो कोई भी अटेंड कर सकता है, तो आप लोगों को पार्टी के लिए टेंशन नहीं लेने का, पार्टी भरपूर होने वाला है। जो हम लोग डेंटल कॉलेज है ना, इट्स लाइक ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल, ओके। बिकॉज यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, सो प्रैक्टिस करने के लिए जो पेशेंट्स होते हैं वो एक्चुअली आउटसाइड से आते हैं, जो अपना जो जिनके टीथ में प्रॉब्लम होता है वो लोग आते हैं, आकर के यहाँ पे टोकन लेते हैं, तो भी 5-10 rupees का टोकन आता है, तो वो लोग टोकन लेकर के चेकअप करवाते हैं एंड स्टूडेंट जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। प्लस स्टूडेंट नहीं, साथ में बहुत सारा टीचर्स भी होते हैं जो उन लोग गाइड करते हैं। सो अभी जो नंबर वन बात करने वाले हैं फैकल्टीज़ के बारे में, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, तो ओवरऑल हम CSE डिपार्टमेंट से, CSE डिपार्टमेंट में टीचर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से वो लोग पढ़ाते हैं, मतलब सारे टीचर बस अच्छा नॉलेज है जो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो फैकल्टीज़ यहाँ का CSE एंड IT एंड इलेक्ट्रॉनिक, हाँ CSE, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक, इन तीनों फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छा है, सो अगर आप इन तीनों में एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। बट आई थिंक इलेक्ट्रिकल अगर आपको मिले तो इलेक्ट्रिकल में आप मत लीजिएगा, वैसे भी अभी ज़्यादा स्टूडेंट आते नहीं हैं, ज़्यादा स्टूडेंट मतलब इस कॉलेज में एडमिशन लेते नहीं है, CSE, IT इस कॉलेज का ज़्यादा ऑन डिमांड है। अगर आप लोग को CSE, IT मिलता है तभी आप लोग इसमें एडमिशन लीजिए, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक मिलता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक में भी ले सकते हैं। ऑल्दो अगर आप लोग को नहीं मिलता है कहीं, तो हाँ आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका रैंक बहुत ज़्यादा आ गया और इस टाइम वो लोग लेना चाहते हैं एडमिशन, सो हाँ इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं है। एंड नंबर सेकेंड, प्लेसमेंट एंड एवरेज पैकेज, इस कॉलेज का ऑन कैंपस एवरेज पैकेज 10-12 lakh पर एनम का है, लोएस्ट 4 lakh है। इस बार सबसे हाईएस्ट पैकेज कितना गया इतना हमको पता नहीं, लेकिन लोएस्ट 4 lakh तक गया है। एंड इसका जो प्लेसमेंट्स है, प्लेसमेंट्स CSE, IT डिपार्टमेंट का ज़्यादा अच्छा है, उन लोग का ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो सोचते हैं हायर स्टडीज़ को लेकर के, तो वो लोग प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, तो जितने लोग प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट लग जाता है। एंड वन मोर थिंग, जो लोग सोच रहे हैं कि
और आप लोग को वेबजी और जेई में कितना रैंक चाहिए होता है इस कॉलेज के एडमिशन के लिए। सो उनके लिए हम एक लिंक दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो लिंक जाके चेक कर लीजिए तो आप लोग को पता चल जाएगा एवरी ईयर कितना रैंक रिक्वायर्ड होता है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए और कौन सा डिपार्टमेंट के लिए होता है, क्योंकि सब डिपार्टमेंट के लिए अलग से बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड ये वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है तो इसलिए हम वेबसाइट का हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके आराम से इजीली आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो हम मिस आउट कर गए कि ये जो आईटी डिपार्टमेंट जीएनआईटी का जो फीस है वो 4 लाख अप्रॉक्स है, मेरा जो लगता है सीएससी का 4 लाख समथिंग लगता है। एवरी सेमेस्टर में 50,000 के अप्रॉक्स फीस पेमेंट करना होता है। ओके सो एंड आई थिंक कि अगर आप एंड आई थिंक इसका एवरेज पैकेज जो है वो ओके है, बिकॉज अगर आप 4 लाख समथिंग अगर आप दे करके कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं सो 10 लाख का पैकेज जो है एवरेज वो ओके, इट्स नॉट टू बैड बिकॉज इट्स अ टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज, इट्स नॉट अ टीयर 1 कॉलेज, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट मच। एंड नंबर थर्ड बात करेंगे हम कैंपस के बारे में, जो मेरा इतना बड़ा कैंपस है उसके बारे में। यहाँ पे 3 मेन ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग फुटबॉल क्रिकेट एंड एक्सेट्रा खेल सकते हैं। एंड यहाँ पे हाँ बहुत सारे इवेंट होता रहता है, तो मस्ती पार्टी वगैरह होता है। एंड एक और मेन बात, यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी है तो हम बास्केटबॉल भी इधर पे खेल सकते हैं। एंड जो लोग मेरा पहले का ब्लॉग नहीं देखा है, जैसे बहुत सारा फेस्ट हुआ था यहाँ पे, अभी तक तो हम 3 या 4 फेस्ट अटेंड किए, 3 और 4 फेस्ट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं, फिर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। एंड इस कॉलेज का 4 गेट्स है, हम लोग का जो गेट है आईटी डिपार्टमेंट का वो ये वाला है। एंड यहाँ पर जो है पार्किंग भी है साइड साइड में, आप लोग पार्क दें। एंड ये मेन गेट है एंड ये मेन एंट्रेंस भी आईटी डिपार्टमेंट का, बट हम प्रेफर करते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट का एंट्रेंस, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग का एविलिटी थोड़ा ज़्यादा है और थोड़ा सिक्योर भी है, तो इसीलिए हम फार्मेसी की साइड से ही इंटर करते हैं। आप लोग मैं सारा ब्लॉग में देखेंगे हम फार्मेसी की साइड में इंटर किया और बाइक भी अपने फार्मेसी की साइड में ही लगाते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस कॉलेज में बेसिक फैसिलिटीज़ भी है जैसे कि लिफ्ट हुआ, जिम्स एंड गेम रूम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वन मोर टिप, जो लोग बाहर से आ रहे हैं एंड आई मीन कि जो लोग यहाँ पर रहेंगे कॉलेज में हॉस्टल में, तो उनके लिए हम एक और बात बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग ट्राई करिए आपके पास अगर मेस में हो पाए तो लोग मेस में रुकिएगा, जस्ट बिकॉज कि हॉस्टल में थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स है, जल्दी रूम में एंटर कर लेना होगा, 6 o'clock के बाद बाहर नहीं निकलने देते हैं ये लोग, सो देट सो मच थिंग्स, जैसे कि आप लोग कैंपस में भी आप लोग नहीं निकल पाइएगा अपने रूम से, तो इसलिए अगर आप लोग मेस में रहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आप लोग बाद में कोई ट्यूशन क्लासेस अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कोई सब्जेक्ट में वीक्स है तो उसमें अगर ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग के पास हाँ टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। हाँ ये लोग भी आपको जाने के लिए देंगे बट वो पेरेंट्स से बात करना होगा एंड सो मच थिंग्स है, थोड़ा भी लेट हुआ तो फिर यार बहुत सारा टेंशन, सो इसीलिए हम ज़्यादातर बोले हैं कि आप लोग मेस में ट्राई करिए अगर आप लोग रह सकते हैं तो, अगर नहीं रह सकते तो आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं, वैसे भी कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बस वही है थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये साइड जो है ये हम लोग का फेवरेट प्लेस है क्योंकि जस्ट इसके सामने पॉन्ड है और यहाँ से काफ़ी अच्छा हवा आता है, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत बार बहुत सारी मस्ती की है और जब भी हम लोग क्लास ख़त्म हो जाता था हम लोग टाइम पास करने के लिए यहीं पर आके बैठते हम सारा फ्रेंड लोग। एंड बाय द वे आज कोई फ्रेंड है नहीं बिकॉज हम अपना प्रोजेक्ट सबमिशन करने आए थे जो कि थोड़ा लेट हो गया था, सो इसलिए अभी तो कॉलेज एक्चुअली बंद चल रहा है, अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है सो कॉलेज अभी सब क्लोज है, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ हम लोग का तो इसलिए कोई आया भी नहीं है एंड हम अकेले आए थे तो इसलिए अकेला हम थोड़ा वीडियो शूट कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग को ओवरव्यू दे अपना जीएनआईटी आईटी डिपार्टमेंट का, सीएससी आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मिलता है तो सो यू कैन गो ऑन, यू कैन टेक एडमिशन। एंड अगर आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है सो आई विल प्रेफर कि आप और कोई डिफरेंट कॉलेज एक बार चेकआउट कर लें, अगर आपको कुछ और अच्छा नहीं मिल रहा सो यू कैन टेक एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेसमेंट्स आपको लग जाएगा अच्छा। और मेन पॉइंट क्या है ना, सब आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है, आपको कितना आता है, आप प्लेसमेंट्स के लिए आप बैठेंगे तो आपका जो पैकेज है कितना होगा सब आपका कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा कैपेबिलिटी है तो आपको ऑन कैंपस नहीं ये आउट ऑफ कैंपस भी आप लोग जा करके आप लोग प्लेसमेंट ले सकते हैं, सो अगर आप लोग प्लेसमेंट लेते हो तो आप लोग अपने स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। सो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अब हम घर निकल रहे हैं और बहुत तेज का बारिश आने वाला है,
सो यहाँ पे अभी रुकेंगे नहीं, फटाफट अब घर निकलेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड मैं प्रीवियस ब्लॉग्स को भी जाके देखें। सो ओके गाइज, बाय बाय।